हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कैनन IR3300 मशीन का मेन गियर बॉक्स यूज हो जाता है, उसको कैसे ओपन करते हैं और कैसे क्लीन कर सकते हैं, या कोई गियर चेंज करना है तो किस तरह कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। एग्जैक्टली इसे निकालने के लिए सिर्फ चार स्क्रू खोलना पड़ता है। पहला स्क्रू इधर रहता है, दूसरा इधर, तीसरा इधर रहता है, ठीक है। ये अगर मशीनरी सिस्टम से देखा जाए तो ये ऐसे लगा रहता है, सॉरी ऐसे लगा रहता है। तो एक दो स्क्रू इधर, तीन, ये चार, तो चार स्क्रू के साथ लगे रहते हैं। चार स्क्रू खोलने के बाद फ्रंट साइड में जो फीडर यूनिट रहता है, जम के लोअर साइड का जो ग्रीन हैंडल के साथ फीड डाउन होता है, उसको डाउन करके ही निकालना चाहिए इसे, क्योंकि इसका ये वाला हिस्सा जो है उसमें फीडर का एक रॉड गया रहता है गियर के साथ, क्योंकि फीडर असेंबली को भी यही घुमाता है, इसलिए जब वो डाउन करेंगे तो नीचे आ जाता है। अब रहता है इधर प्रेशराइज करके इसके बेल्ट को हैवी प्रेशर के साथ उसके साथ घूमता है, ओके। इसलिए कभी भी इसको निकालने के लिए फ्रंट साइड के फिल्टर को डाउन करो, ग्रीन हैंडल को अनलॉक करो, उसके बाद फिर ये यूनिट आराम से चार इसको खोलने के बाद ये बाहर आ जाए। अब इस पर काम कैसे करना है, किस तरह इसको खोल सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखें, ठीक है। चलो सबसे पहले तो इसके मोटर को चेंज करेंगे हम लोग, दैट मीन मोटर बाहर कर देंगे। स्क्रू ड्राइवर लेते हैं, कभी कभी स्क्रू का थ्रेड खराब रहता है तो उससे ओपन ही नहीं होता। इसका थ्रेड खराब है इसलिए इसको इस तरफ ओपन करना पड़ा। कभी भी सर्विस करते समय ध्यान देने का, अगर कोई भी स्क्रू ऐसा लगे खराब है या उसका थ्रेड गया हुआ है, वो भी टाइप के स्क्रूज का, तो मस्ट बी इम्पॉर्टेंट कि उस थ्रेड को आप चेंज, दैट मीन उस स्क्रू को आप चेंज करो, ओके। ये इसका मोटर हो गया, मैंने अलग कर दिया। अब इसके बाद सबसे पहले इसका टॉप कवर जो रहता है, ये इसके ऑलरेडी कुछ स्क्रू निकले हुए हैं, एक, दो, तीन, इस तरफ एक चार, ये चार स्क्रू निकालने के बाद ये टॉप कवर निकल जाता है। एक स्क्रू ऑलरेडी यहां से निकला हुआ है, ये स्क्रू निकला हुआ है। अब इसके बाद अदर जो स्क्रू लगे हुए हैं हम उसको खोल देंगे। मेरा कहने का मतलब है कि इस कवर के साथ रिलेटेड जितने भी स्क्रू हों उन्हें आराम से खोल के बाहर निकालने के बाद ये यूनिट बाहर निकलता है। कभी कभी स्क्रू निकालने के बाद भी ये कवर नहीं निकलता, उसका रीज़न ये रहता है ये इसके साथ कम्प्लीटली लॉक हो जाता है डस्ट के कारण। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इन सब पे गौर करो, जब भी ओपन करो इसको अच्छे से क्लीन करो। अब इसे अगर आप निकालना चाहेंगे तो कैसे करना है, ये डायरेक्टली निकल जाएगा, क्योंकि इसको प्रेशराइज स्टेबल रखने के लिए केवल ये कवर लगा हुआ है, ठीक है। ये बाहर हो गया है, ये मैं रख देता हूँ इधर। अब सब कुछ जो डिपेंडेबल है इसमें वो है इस कवर पे, एक स्क्रू, दो स्क्रू, तीन स्क्रू। एक तीन स्क्रू खोलने के बाद
ये बाहर, मेन कंसेप्ट यही आपको बनाना है ये इनर कवर के साथ, क्योंकि इसके दो स्प्रिंग लगे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता इस पे काम करते समय, इसका फोटो खींच के रख लेने का, ठीक है। तो पहले आपने ये स्प्रिंग निकाल दिया, इस स्प्रिंग को चाहे तो अभी निकाल लो, लेकिन अभी उसके लिए अपने को जरूरत नहीं है उसका। अभी ये कवर खोलने के लिए इसको खोलना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये बैरिंग बहुत फ्री होना चाहिए, कभी कभी ये बैरिंग भी इसके साथ ब्लॉक हो जाता है और वो निकलता नहीं, और इसी में सारा फंडा फंस जाता है कि अभी उसे निकाला कैसे, क्योंकि ये नहीं निकलेगा तो ये कवर सही से नहीं निकलेगा। अब ये यहाँ जाम किया हुआ है, इसलिए ये फ्री नहीं हो रहा, ओके। क्योंकि हमने इसके सारे स्क्रू फ्री कर दिए हैं, जो भी स्क्रू लगे थे, ये जाम किधर दे रहा है, इधर, क्योंकि इसको सील किया गया है इधर, और इधर इसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी अपने को। कभी कभी जूने होने के बाद ये सील अपने आप ही निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ा मेहनत कभी कभी करना पड़ता है। ये कवर हमने निकाल दिया, अब ये हो गया आपका मेन गियर बॉक्स। इसमें गियर ज्यादा नहीं है, पर इनके सेटल के लिए कभी कभी हमको इश्यू आता है। इसमें बेल्ट बहुत सारे लगे रहते हैं, तो हमको कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि ये बेल्ट कैसे स्टार्टेड में कभी कभी हमको भी इशू होता था ये सब निकालने में, बट बार बार प्रैक्टिस करने से कॉमन हो जाता है। आप किसी भी चीज का प्रैक्टिस करते हो तभी वो परफेक्ट होता है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम लोग तो वो ऐसा उम्मीद करना कि मैं सही कर लूँगा, ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं लगता है, क्योंकि जब तक आप उसका प्रैक्टिकल नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। देखने में ये चीज़ बहुत ही आसान लगती है, बट जब हम करने जाते हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा रिस्की चीज़ दिखता है, इतना रिस्की कि एक बार फंस गया तो फिर यहां से उभरना बड़ा मुश्किल लगता है। अब इसको लॉक करने के लिए जो शील लगाया गया था उसको छुड़ा देते हैं, नहीं तो इसका बैरिंग बाहर नहीं आएगा और गियर बाहर नहीं हो पाएगा। अब इसका फाइनल स्टेज ये है, इसको निकालना है। इसका मैंने स्प्रिंग निकाल दिया, ये स्प्रिंग यहां से इसको ऐसे इस पोजीशन यहां लगाया जाता है, ठीक है, यहां से लेकर इस लॉक के साथ,
ठीक है। अब ये होने के बाद इसका भी लॉक में निकाल देता हूँ और ये इसके साथ मशीन सर्विस करते समय हमारे लिए मेन चीज यही रहता है कि मशीन साफ रहेगा तो ज्यादा टाइम तक कोई रिक्वायरमेंट नहीं लेगा, और मशीन अगर साफ नहीं रहता तो बार बार मेंटेनेंस के लिए हो मशीन बंद कर देता है। हम लोग गौर करते हैं कभी कभी हमारा ड्रम यूनिट नहीं घूमता, तो ये ही उसका बुश है, ये वाला, इसी से ड्रम घूमता है। अगर ये टूट जाता है तो ड्रम घूमना बंद कर देता है और कॉपी नहीं आती, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इनसे डिपेंडेंट है। ये सारी चीजें भी अगर आप ओपन करना चाहें तो कर लीजिए, उनको साफ करिए। मैं थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। ओके, इस तरफ तो साफ कर लिया है, तो अभी इसको बिठा देता हूँ। ये बैठने के बाद ये स्प्रिंग इस पे लग जाएगा, उसके बाद ये सेटअप हो गया। इसके बाद हम इसको जो निकाले थे गियर्स, ये दोनों सेम ही रहता है, तो इसको कोई भी आप कहीं भी लगा सकते हो, यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, कोई भी नहीं है। बट इसको उसके साथ प्रॉपर सेट करना है, ये बेल्ट को बाहर नहीं आने देता।
उसी तरह ये भी है। इसको चेक करने के लिए इसके चेक करने ये लगा दिया इसका कैप, ये भी लगा दिया। अब इन दोनों के साथ ये बैरिंग के साथ एक बेल्ट के साथ मूवमेंट होगा। तो इसका बैरिंग है, बैरिंग ये वो फ्री हो जाए इसको प्रॉपर इसके साथ। स्टेबल कर दिया हमने, ये भी क्लीन करके रख लिया है। अब इसको हम चाहिए तो हम थोड़ा इसको ग्रीसिंग कर देते हैं। कभी भी ज़्यादा ग्रीस लगाने की कोशिश नहीं करेगा, जितना सूटेबल है उतना ही लगाने की, ठीक है। जब ये प्रॉपर घूमने लगता है ऐसा अच्छे से तो ये सही रहेगा। अब इसके बाद इसका एक बेल्ट का सेटअप हम डाल सकते हैं। बट इसके साथ एक और असेंबली है ये जो इससे मैच करती है, इसके साथ सपोर्ट पे चलती है, तो इसको भी एक बार थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, ठीक है।